चक्रवाती तूफान एम्फान प्रत्येक गुजरते घंटे के साथ शक्तिशाली होता जा रहा है। अगले कुछ घंटों में इसके बेहद उग्र रूप धारण कर लेने की आशंका है, जिससे बंगाल और उड़ीसा में भारी नुकसान हो सकता है। इसे देखते हुए दोनों राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की कुल 17 टीमें भेजी गई हैं। चक्रवाती तूफान एम्फान के कारण बंगाल उड़ीसा तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका असर कर्नाटक और अंडमान में भी देखा जाएगा। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। अनुमान है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसकी वजह से उड़ीसा और बंगाल में 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। अगले 72 घंटे बिहार के लिए भी काफी मुश्किल हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्ब एक्टिव है, इससे पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। बताया जा रहा है कि यहां पर लैंडफॉल की भी आशंका जताई जा रही है, इसीलिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगला 12 घंटा में इसका और भी इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है, तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। और फिर इसका मूवमेंट अभी अगला 24 घंटा तक स्लोली नॉर्थ वार्ड रहेगा, उसका बाद फिर रिकाप करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड जाएगा। और वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश का कोस्ट का, वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड और बांग्लादेश का हतिया आइलैंड, ये दोनों बीच का क्रॉस करने का संभावना है। हमारा उड़ीसा के लिए अभी तक जो वार्निंग हम लोग दिया है, फर्स्ट जो है अभी जो जिसके लिए एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है वो है फिशरमैन वार्निंग। तो फिशरमैन को हम लोग डीप सी एरिया में पहले से ही बोला था, मना था। अभी कल से कम्प्लीटली पूरा सी में जाना के लिए मना है, सी में बिल्कुल नहीं जाना है। बंगाल के 6 जिलों उत्तर व दक्षिण, 24 परगना, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली जिलों में 7 टीमें भेजी गई हैं, जबकि उड़ीसा में पुरी, जाजपुर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, बालासोर और मयूरभंज में 10 टीमें भेजी गई हैं। प्रत्येक टीम में 45 लोग शामिल हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।